थैंक यू सो मच। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज इशू ऑफ द वीक क्या है? आज है जो ये गर्मी चल रही है ना, हीट वेव्स, पहले हमने डिस्कस किया था, बट अभी कुछ और न्यूज़ चल रही है इसके रिलेटेड। क्या चल रही है? जो वीट प्रोडक्शन है इंडिया की, वो हैम्पर हो सकती है। किस वजह से? प्रोडक्टिविटी, जो यील्ड है वो डिक्रीज हो सकती है, ऐसे कुछ न्यूज़ आ रही हैं सामने। और उसका असर कहाँ पड़ेगा न्यूज़ में? एक्सपोर्ट पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, फार्मर्स पे। तो इम्पैक्ट जब हम बात करेंगे तो हर तरफ से देख सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जितना मर्जी इम्पैक्ट वो आपके ऊपर है, कितना उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना उसका एनालिसिस कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू ओनली। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ क्या है, मुद्दा कहाँ से आया निकल के सामने? ये कुछ कटिंग्स हैं, क्लिपिंग्स हैं जो न्यूज़ आ रही है, पिछले वीक किए हैं, कहीं से नहीं है ना। एक तो ये थी हिंदुस्तान टाइम की, व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, हिंदुस्तान टाइम की, कि जो वीट यील्ड है ड्रॉप बाय 8% ड्यू टू सडन हीट वेव्स। और हमने हीट वेव पहले डिस्कस की थी एक दिन, मुझे लगता है पहले मेरीन वेव्स भी डिस्कस की थी हमने, और हीट वेव्स भी डिस्कस किए हैं। डिस्कस किए तो रीजंस क्या हैं और किसका पार्ट है ये क्लाइमेट चेंज का है, और क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, और क्या क्या हो सकता है ना। कोई बात नहीं, नेगेटिव करे थे, आज पॉजिटिव भी करके देख लेंगे, कुछ यहाँ नहीं लिखा, हम कर लेंगे वैसे। दूसरा था कि कैसे पॉसिबल है, दूसरा ये है कि कितने क्विंटल, और ये है किस पे, कि हीट वेव इन पंजाब में कर्टेल इंडियाज एक्सपोर्ट, वीट एक्सपोर्ट। यहाँ तक तो ठीक है, जब आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ पे इकोनॉमी आ गई है बीच में, यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को क्लब कर दी। अब इकोनॉमी पढ़ के सोच लेना या ज्योग्राफी पढ़ के सोच लेना कि पढ़ा क्या है, बेटर है करंट अफेयर्स पढ़िए और होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़िए, ठीक है। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ कुछ इस तरह से लिखा था उसमें कि जो हॉट वेदर है उसमें हो क्या रहा है, यील्ड कम होगी किस वजह से, ड्यू टू टर्मिनल हीट स्ट्रेस। जो वीट है ना, उसके जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए, मुझे लगता है जब उसकी सोइंग होती है और हार्वेस्टिंग दोनों टाइम पे है ना। कब उसकी सोइंग करते हैं, कल्टीवेशन कब करते हैं? इट्स अ रबी क्रॉप, मुझे ऐसा लगता है रबी क्रॉप होती है ये हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है अप्रैल, 1 अप्रैल से इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करती है। और कल्टीवेशन कब करते हैं इसकी, कभी वो जाके जोर से बोलेंगे अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम टेम्परेचर कैसा होता है अक्टूबर नवंबर में, हो क्या रहा होता है, इसका मतलब जब इसको कल्टीवेट करेंगे टेम्परेचर लो चाहिए, और जब हार्वेस्टिंग होगी रिलेटिवली हाई टेम्परेचर चाहिए, पर टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ कुकिंग करनी है, हीट चाहिए, हीट कितनी चाहिए हर चीज़ के लिए, ऑप्टिमम। पिज़्ज़े पे आ जाएं दोबारा से, वही एक समझ में आता है, पिज़्ज़ा या कुलचे लेने वो भी ले लो, या क्या कहते हैं वो भटूरे लेने वो भी ले लो, कुछ भी जो आपका मन करे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर उस टेम्परेचर से आप इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा उसका, क्या लेंगे, पिज़्ज़ा ले लेते हैं, पिज़्ज़ा डाल दिया अपने ओवन में, ठीक है, कितने डिग्री पे, लेट अस से 90 डिग्री पे, 100 डिग्री पे आपने किया 5 मिनट्स के लिए, अब टेम्परेचर कर दीजिए उसका 300 डिग्री 5 मिनट के लिए, अब क्या होगा उसका, वो थोड़ा सा और क्रंची हो जाएगा, खाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मीन्स वेस्ट हो गया। यही चीज़ अब किस पे हो रही है, एग्रीकल्चर क्रॉप पे हो रही है। तो ये न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना है वो कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग लाइक दिस, 10-15%। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, इन्होंने भी अपना जो टारगेट है वो कम कर दिया है प्रोक्योरमेंट का। लास्ट ईयर आई टोल्ड यू कि कितना प्रोड्यूस हुआ था पंजाब में, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोक्योर किया था, 132 लाख मीट्रिक टन। और एक कॉन्सेप्ट चलता होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ग्रोथ, हर चीज में ग्रोथ चाहिए हमें, GDP हर साल हम क्या कहते हैं, ग्रोथ, एक्सेप्ट हम पढ़ाई में ग्रोथ नहीं देखते कि पिछले टेस्ट में कितने क्वेश्चन ठीक थे, 10, इस बार कितने ठीक है, 9, ठीक है ना, इंक्रीज तो नहीं हुए ना, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ देखते हैं, तो इस बार ज़्यादा होना चाहिए था। और जितनी भी आप प्रोडक्शन चार्ट्स देखेंगे क्या होता है उसमें, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे इस चीज़ का इफेक्ट से पहले तो हो गया कि 10-15% वो रिड्यूस होगा। गवर्नमेंट का टारगेट है अभी 100 लाख मीट्रिक टन का, 100 लाख, वो 32 लाख कहाँ गया, कहाँ गया, नहीं यहाँ नहीं गया। उसके दो रीज़न हैं, वो भी पता होना चाहिए आपको। पहला रीज़न तो ये है
10 to 15% मीन्स 10 से 15 लाख एम्प्टी तो यहाँ से इलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस. जो बाकी है एक्चुअली इस बार प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा परचेज कर रहे हैं जो पहले नहीं होता है. वो क्यों ऐसा, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है ये उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इजिप्ट हैज अलाउड इंडियंस टू एक्सपोर्ट वीट. इजिप्ट ने डिमांड किया कि दे दो यार. रीज़न वॉर चल रही है कहीं यूक्रेन में, तो फूड क्राइसिस है. तो एक चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर हो रहा है, और लोगों के अंदर अभी ये भी है थोड़ा सा एप्रिहेंशन है कि हो सकता है मार्केट में शॉर्टेज आ जाए. जो वीट अभी आपको सस्ती मिल जाती है, सस्ती मीन्स जो आशीर्वाद का आटा क्या रेट चल रहा है, 330. वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कि वो 550 का हो सकता है, राइट. उसके दो एस्पेक्ट है देखने के. अगर हम पंजाब के एस्पेक्ट से बात करेंगे, पंजाब का तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. क्या हो गया, पहले 132 लाख मीट्रिक टन था, अभी 100 लाख मीट्रिक टन है. एलएमटी लिख देंगे, एलएमटी, ठीक है. जब आपके पास एक्सेस, आपको कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता. अगर एग्जाम है 100 क्वेश्चन में से आपको 80 आते हैं और इस बार 77 आते, तो क्या हो गया, 2-3 क्वेश्चन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 60 पे तो वैसे क्लियर हो जाता है. व्हाट अबाउट अदर्स, जिनको बेचारे को 40 क्वेश्चन में नहीं आते. यहां भी कुछ ऐसा है कि अगर हम पंजाब की बात करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर अदर स्टेट्स की बात करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बाकी स्टेट्स में पीडीएस के थ्रू, एफसीए लेके जाती है, वहां पे इंपैक्ट पड़ेगा उसका, उनको नहीं मिलेगा. अगर हमारे यहां पे प्रोडक्शन नहीं है तो दूसरी स्टेट को नहीं मिलेगा. अगर स्टेट में इकोनॉमिक्स किस पे चलती है, डिमांड और सप्लाई पे चलती है. अगर कहीं भी इंबैलेंस हुआ तो रेट पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन. अगर डिमांड है और सप्लाई कम हुई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन. डिमांड तो खाने की डिमांड कभी कम हुई है, हम वो लोग हैं जो खाना खाने के बाद भी खाना खा लेते हैं, राइट. नाम कुछ भी ले लीजिए, स्नैक्स कह लीजिए उसको, डेजर्ट कह लीजिए, हम कुछ भी खा सकते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे, तो डिमांड बढ़ेगी पर सप्लाई कम होगी. तो जो दूसरे एरियाज हैं, दूसरे रीजन से, कौन से नॉन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, क्योंकि सारी नहीं है, कुछ 4-5 स्टेट्स हैं जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी तो डेफिसिट में है, तो उनको आपको सप्लाई करना पड़ता है. तो इम्पैक्ट जो है वो चारों तरफ पड़ने वाला है, इंट्रा स्टेट भी और इंटर स्टेट भी. कौन सी स्टेट, मैं नेशन की बात कर रहा हूँ, कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है. और हो क्यों रहा है ऐसा, प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही है, राइपनिंग स्टेज होती है, जो ग्रेन है वो श्रिवल्ड हो रहा है, श्रिंक कर रहा है वो. अगर उसकी हेल्थ सही नहीं रहेगी ग्रेन की तो आप नहीं खरीदेंगे उसको. दूसरा, उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा. ग्रेन का अगर वेट कम हुआ तो पूरी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसका वेट कम होगा, हेल्दी ग्रेन नहीं होगा. तो सबसे बड़ा इशू ये है. उसके अलावा कुछ और था कि पहले ऐसा हुआ है 2001 में भी, एक लुधियाना में इंस्टीट्यूट है, बोरलॉग इंस्टीट्यूट, उसके ये आइडिया है कि 2010 में ऐसा हुआ था, तब 26% जो है करीब प्रोडक्शन कम हुई थी, यील्ड कम हुई थी. तो ऐसा दोबारा भी हो सकता है, तो पहली बार नहीं हो रहा. मीन्स अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है जी, यील्ड और प्रोडक्टिविटी सेम है, उसको ऐसे कहेंगे पर यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है. लेट अस से 1 हेक्टेयर, ठीक है, और एक ले लीजिए एरिया ऑफ द स्टेट. प्रोडक्टिविटी के लिए यील्ड कह लीजिए, अगर एक सिर्फ एक यूनिट एरिया में आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अ यील्ड या प्रोडक्टिविटी. अब कितने हेक्टेयर हैं वो वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट, तो प्रोडक्शन में वेरी स्टेट टू स्टेट, फाइन. और ये इशू क्या है, एक्चुअली हम इसलिए मुद्दा डिस्कस करें क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, टर्की है, फिलीपींस है, अफ्रीका के कुछ नेशंस हैं, यूरोप के कुछ नेशंस हैं, तो उस वजह से मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ रहा है. तो एक अप्रिहेंशन और है, देयर आर लार्ज मार्केट प्लेयर द कॉरपोरेट हाउसेस. न्यूज चल रही थी अदानी का साइलो है पंजाब में, कहाँ पे है, मोगेज हैगा, है ना. तो अदानी इज अ लार्ज प्लेयर, और अदानी अगर चाहे तो मुझे लगता है 50% ऑफ द इंडियाज वीट प्रोडक्शन ही कैन परचेज. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा,
कुछ ज़्यादा इम्बेलेंस होगा, होर्डिंग नहीं होगी, वो एक्सपोर्ट कर देगा, यहाँ पे क्राइसिस आ जाएगा इंडिया में। फिर जो आप 330 की बात कर रहे हैं वो 1030 हो सकता है, ये क्राइसिस होगा। अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है फूड सिक्योरिटी क्राइसिस की तरफ। सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी की तरफ भी जाएगा। तो एक हीट वेव का असर कहाँ पड़ रहा है? वो पूरी इकोनॉमी को, आपकी पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए गुस्सा मत किया कीजिए, हीट वेव्स पहले ही ज़्यादा है, ऊपर से आप गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, इम्पैक्ट इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। राइट और ये आपको पता ही है कि दिस इज द कंडीशन रिक्वायर्ड वीट के लिए। एग्रोनॉमिक कंडीशंस क्या, टेम्परेचर इतना होना चाहिए जब उसकी सोइंग करते हैं, और इतना होना चाहिए 21 to 26 degrees, यानी कि पहले कम है, और जब कल्टीवेशन के टाइम हार्वेस्टिंग उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होता है। रेनफॉल चाहिए इतनी जितनी हमारे यहाँ होती है, 75 to 100, वो 400 नहीं चाहिए इसको। बाकी सॉइल कैसी चाहिए, लोमी है ना, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए हमारी, कुछ ऐसी ऐसी सी है, अच्छी सॉइल है, उतनी अच्छी नहीं है, फिर इतनी अच्छी प्रोडक्शन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पास। जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था तो वो सॉन्ग भी नहीं थे, मेरे देश की धरती सोना उगले पहले नहीं उगलती थी, पहले कहीं और जाना पड़ता था, अब यहाँ पे होने लगा तो वो सॉन्ग भी आ गए हैं। बस ऐसे याद रख लीजिए, इसका मतलब वो सॉन्ग कब के होंगे, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया होगा। बस सिंपल सा लॉजिक है, और क्या है। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट किस चीज़ का, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो हमने पहले बताया हुआ है कि अगर कुछ समझ ना आए, इफ एनीबडी इज टू ब्लेम इट ओनली द क्लाइमेट चेंज। पर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज का पार्ट कैसे है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हैं, वो आप बात करते हैं। सी लेवल राइज हो जाता है, सबसे बड़ा तो वही है, ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो टेम्परेचर राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा, जो वेदर पैटर्न है आपका वो चेंज होगा। अगर वेदर पैटर्न चेंज होता है तो आपको पता है जो वेदर फिनोमेना कब चेंज होता है, दो चीजें हैं, नंबर वन एंड नंबर टू, राइट, कौन कौन सी हैं जो अफेक्ट करती हैं वेदर को, बन गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वेदर ऑफ अ रीजन। तीन दे देंगे आपको, दो पता होने चाहिए, फिर आप सोच रहे हैं ये वाला या पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला, ये ऑल ऑफ द अबव, और हमें लगता है कि सी आंसर होता है, सी मतलब ऑल ऑफ द अबव, और फिर गलत हो जाएगा। वन इज टेम्परेचर, सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन, और जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ वेदर चेंज होगा। प्रेसिपिटेशन मीन्स इधर रेनफॉल और स्नोफॉल। प्रेसिपिटेशन के टाइप्स बता दीजिए कितने होते हैं, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स बता दीजिए, सब पढ़ेंगे बीच में, सब चलता है, स्नो, हेल, ड्यू नहीं होती, ना ना ना, ड्यू तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, ड्यू इज अ फॉर्म ऑफ, ना क्वेश्चन गलत नहीं करना, ड्यू इज अ फॉर्म ऑफ, जोर से बोलो, यस, ये मत भूलना कभी कि कंडेंसेशन कितने टाइप्स की होती है, रेनफॉल कितने टाइप की होती है, प्रेसिपिटेशन कितने टाइप की होती है, और क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, राइट चलिए, तो प्रेसिपिटेशन कितने टाइप के होते हैं, स्नोफॉल, रेनफॉल, हेलस्टोन, स्लीट, चार ही तो होते हैं, बस ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत थोड़ी होती है बार बार। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो, नॉलेज शेयर किया कीजिए, उससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी, राइट। उसके अलावा इंक्रीज एक्सट्रीम इन वेदर इवेंट्स, लैंड डिग्रेडेशन होगी, और जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा वो अलग है, और बायोडाइवर्सिटी का जहाँ लॉस होता है तो वह हम किससे लिंक करते हैं इसको, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, और अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है फिर रह क्या जाता है, कुछ नहीं, जो पहले था वही दोबारा हो जाएगा, वैक्यूम था पहले, दोबारा से वैक्यूम हो जाएगा, लाइफ पहले नहीं थी, लाइफ दोबारा भी खत्म हो जाएगी, इलिमिनेट हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ह्यूमन बीइंग भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है। तो उसी में अगर ये वेदर पैटर्न चेंज होगा, एक्सट्रीम होगा, तो क्या होगा, हीट वेव्स। हीट वेव की डेफिनेशन याद है, किसे कहते हैं हीट वेव, हाँ, 9 degrees फ़ारेनहाइट जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो टेम्परेचर हमने कितना लिया था, 40 degrees इन द प्लेन एरियाज और 30 degrees इन द
हिली एरियाज, बस हिली एरिया में 30 बहुत होता है, गर्मी लगने लग जाती है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा यही है कि पहले तो जो सरफेस वाटर है वो एलिमिनेट होगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगी वाटर बॉडीज, तो वाटर स्ट्रेस आएगा। दूसरा, जो प्लांट्स हैं जो हम बात करें, दिस इज द न्यूज़, प्लांट्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, वो किसी भी तरह से बढ़ सकता है, चाहे उसकी एग्रोनॉमी में उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है, या पेस्ट जो है वो बढ़ सकता, डिजीज बढ़ सकती है उनकी, फाइन। तो अगर डिजीज बढ़ेंगी तो भी प्रोडक्शन कम होगी, अगर उनकी जो टेक्सचर है प्लांट वो चेंज होगा तो भी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। तो किसी भी तरह से बाय हुक और क्रूक अल्टीमेटली किस पे असर पड़ेगा? यील्ड पे, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे ओवरऑल असर पड़ेगा, राइट? क्या असर पड़ सकता है फूड सिस्टम पे? ऐसा पॉसिबल है रेनफॉल का इरेटिक होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स इंक्रीज हो जाना, स्टॉर्म इंटेंसिटी बढ़ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज हो रही वो हो सकती है ज्यादा, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, सर्टिफिकेशन बढ़ सकती है, ड्रॉट कंडीशंस बढ़ सकती हैं, सी लेवल राइज कर सकते हैं, ये सारा है। ऐसा है कि नहीं है? कैसे? लाइक डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो सकती है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वाटर बॉडी क्या होंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो। और डेजर्टिफिकेशन कैसी होती है? डेजर्ट की अगर डेफिनेशन उठा लीजिए कि जहां पे दैट इज ग्रेटर देन दैट, प्रेसिपिटेशन इज लेस देन या इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन द प्रेसिपिटेशन, और कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी लेस देन 25 mm पर ईयर, है ना? तो अगर कम है, 25 cm होगा, तो अगर इतने से कम है तो वो क्या हो गया? डेजर्ट हो गया। और अगर वैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो वहां पे वो टिकेगा, इवेपोरेशन पहले ही हो जाएगी। सो डेजर्ट कंडीशन हो सकती है, टेम्परेचर इंक्रीज है, स्टॉर्म इंटेंसिटी बढ़ सकती है, साइक्लोन्स बढ़ सकते हैं, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है और इंटेंसिटी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? कैसे? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ब्रीडिंग ग्राउंड जनरेट होंगे साइक्लोन के लिए, पर्टिकुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या चाहिए कंडीशंस? सी लेवल जो है वो राइज करना चाहिए मोर देन 20 डिग्री, आगे बोलेंगे, और यहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि आगे नहीं पता, 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, है ना? और दूसरी कंडीशन क्या साइक्लोन के लिए? बाकी तो अलग कंडीशन है कि कोरलेस फोर्स होनी चाहिए, इक्वेटर से दूर उतनी होगी, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, अल्टीमेटली तो पहले तो यही है कि बेसिक तो यही है कि टेम्परेचर राइज होना चाहिए। और यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर राइज करने की, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये होगा, रेनफॉल इरेटिक होगी कि नहीं होगी? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में किसका कंट्रीब्यूशन है? डिफॉरेस्टेशन का है। और वैसे जब वाटर स्कैर्सिटी है, रेनफॉल कब आएगी? दो कंडीशन है, या तो इवेपोरेशन यहां से हो या कहीं से मॉइस्चर लेडन विंड्स अंदर आए, तभी पॉसिबल है। या तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी या कन्वेक्शनल होगी। साइक्लोनिक कहां होती है हमारे यहां? साइक्लोनिक मेरा मतलब फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल इंडिया में होती है? सोच लो, बन गया क्वेश्चन, फ्रंटल रेनफॉल कहां पे होती होगी? कोस्टल एरिया में। काय कोस्टल एरिया में बताइए हमें। अरे जहां पे फ्रंट बनेगा, व्हाट इज फ्रंट? व्हाट इज फ्रंट? जहां पे दो डिफरेंट टेम्प एयर मासेस मीट करते हैं, या उनका कांटेक्ट जोन, कौन से? कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास। और मुझे लगता है ट्रॉपिक एरिया जो है, ट्रॉपिक्स है, वहां पे दो कंट्रास्टिंग एयर मास नहीं हो सकते। वो कहाँ पे होंगे? टेम्परेट रीजन्स में होंगे, जहाँ पे ऊपर से कोल्ड आएंगे और नीचे से हॉट जाएंगे, तो वहाँ पे फ्रंट बनेंगे, वहाँ पे फ्रंटर रेनफॉल होगी, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कहाँ पे हो सकती है? वो जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल पर, उसमें भी कौन सी होती है? वो कन्वेक्शनल ही होती है। तो या तो कन्वेक्शनल होगी, कन्वेक्शनल की कंडीशन क्या है? वाटर बॉडी होनी चाहिए, इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन होनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन आपने कर दिया, वाटर बॉडी आप खा गए, एनक्रोच कर ली, तो कहाँ से इवेपोरेशन होगी और कहाँ से प्रेसिपिटेशन होगी? तो अल्टीमेटली किस पे असर पड़ रहा है? रेनफॉल पे। दूसरा, अभी पहले हमने डिस्कस किया था, याद है कुछ महीने पहले फेब में हम डिस्कस कर रहे थे स्नोफॉल इन वो तंजानिया डिस्कस कर रहे थे, है ना? और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं वो एक्सटेंड हो गई, कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो क्या है?
इसी का असर है पैटर्न का, मॉनसून पे इम्पैक्ट पड़ता है। मॉनसून कभी डिले हो जाता है और कभी अर्ली शेड्यूल हो जाता है। दूसरा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने मंथ में कितना होगा, 4 मंथ में होगा रेनफॉल, 3 मंथ में हो, कई बार जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हो, कभी हो सकता है 1 वीक में कॉन्टिन्यूस बारिश हो, पता लगे 2 वीक बारिश नहीं हुई, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, एरेटिक हो गया। अगर वो हो तो इसका मतलब जो मानसून का पैटर्न है सारा या रेनफॉल आपकी एरेटिक हो गई। अगर इरेटिक रेनफॉल होगी तो अल्टीमेटली किसको इम्पैक्ट करेगा, वो आपके फूड सिस्टम को, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन होने चाहिए या आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर होनी चाहिए, जिसको आप इरिगेशन कहते हैं। और इसीलिए जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज है वहाँ पे हम डिपेंड नहीं है किस पे, मॉनसून पे, और जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो आप मॉनसून पे डिपेंड हैं। और अगर मॉनसून इरेटिक हुआ तो आपका एग्रीकल्चर भी इरेटिक होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। और ऐसे कौन से एरियाज हैं इंडिया के, सारे एरियाज ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं इंडिया के, सिर्फ कुछ एरिया छोड़ दीजिए, पर्टिकुलरली जो नॉर्थ प्लेन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गया और वेस्ट कोस्ट, ये एरियाज जहाँ पे रेगुलर रेनफॉल आप कह सकते हैं। अदरवाइज जो रेनफॉल है साउथ इंडिया यानी कि पेनिनसुला में, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की तरफ डिक्रीज होती जाती है। सेम इज द कंडीशन विद द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्रीज होती जाती है, सेंट्रल इंडिया में उतनी नहीं बारिश होती है। सिंपल सा लॉजिक हो गया, तो जहां पे अवेलेबिलिटी है वहां पे एग्रीकल्चर हो, बाकी क्या होगा फिर, तो डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। और वो आपको पता है कि साउथ में क्यों नहीं है, मींस ऑफ इरिगेशन क्यों नहीं हो सकते, वो आपको समझना होगा, वो आपने पढ़ा भी होगा, है ना, क्योंकि यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, सिंपल, ये याद रखना है आप लोगों ने हमेशा, क्योंकि उससे कभी डर नहीं लगेगा आप जब ऐसा सोचते हैं आप, क्योंकि हमें लगता है ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ऐसा लगता है हमें, वो तब तक लगता है जब तक आपने बुक्स को ढंग से नहीं पढ़ा होगा। बस जब वो पढ़ लेंगे फिर आपको लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, तो कल बन जाएंगे IAS, पॉसिबल है, राइट। उसके अलावा क्या होगा, डिजीज सीवियरिटी, जो डिजीज बढ़ेंगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है नंबर वन, और दूसरा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जो प्लांट डिजीज हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर पेस्ट बढ़ेगा, प्लांट डिजीज बढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली इट इज़ अ थ्रेट टू द फूड सिस्टम, यील्ड डिक्रीज हो सकती है, जो उनकी क्वालिटी है न्यूट्रिशन, अगर जो ग्रेन है अगर वो विवल्ड हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम होगी, ऑब्वियस है। अब वो छोड़िए, अगर घर में कुकिंग करते हैं तो उसमें टाइम स्टिपुलेटेड होता है कि इतनी देर कुकिंग करनी है, ज़्यादा करेंगे, इसलिए कहा जाता है जो ओवन का खाना वो नहीं खाना चाहिए, है ना, जो तंदूर में बनता है वो नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी, पर हमें टेस्टी वही लगता है, स्मोकी स्मोकी में चाहिए होता है, स्मोकी फ्लेवर, राइट, चलिए, है ना, तो बहुत सारे हैं। तो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे काउंट कर लीजिए, ड्रॉट आएगा, या ऐसे जैसी मर्जी कर लीजिए, अल्टीमेटली जो फूड सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज या हीट वेव्स, जहां से मर्जी लीजिए, अल्टीमेटली तो क्लाइमेट चेंज ही है, वो उसी का कंपोनेंट है। किस पे अफेक्ट कर रहा है, आपके फूड सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है। फूड सिस्टम दो तरह का हो सकता है, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर छोड़िए, आप नॉन वेजिटेरियन फूड पे आ जाइए और बताइए। अगर लगता है हम तो खाते नहीं, राइस भी नहीं हमें खाना, वीट भी नहीं खाना, हम चिकन चुकन से काम चला लेंगे, उधर आ जाइए, दोनों आस्पेक्ट सोचने पड़ेंगे आपको, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे कल वो था अर्थ डे था, तो लोग लग जाते हैं प्रोटेस्ट करने, ये करने वो करने कि वीगन बनिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। मुझे लगता है अगर नॉन वेजिटेरियन फूड इग्नोर कर दिया, हम वो भी समझ लेते ना एक बार, तो क्या होगा, किस पे डिपेंड हो जाएगी सारी पॉपुलेशन, प्लांट्स पे। तो मुझे लगता है जो डिप्लीशन है प्लांट्स का वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन है, मुझे ऐसा लगता है। वो तो 2-4 लोग होंगे जो जिनको लगता है कि हम नहीं खाते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी खाते हैं, मेडिसिंस में वो खाते हैं, है ना, और बहुत से सारे कंज्यूमेबल्स हैं जो वो कंज्यूम करते, को नहीं पता कि अच्छा उसी से बना है, बाद में पता लगता है ओके, अब तो खा के फिर क्या हो गया। नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री है, अगर आप इंडस्ट्री को कभी समझे ना, कहीं की भी इंडस्ट्री, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। वो आप बटर वटर खाते होंगे, है ना, बेदिंग सोप्स होती हैं, एनिमल फैट पड़ता है उसमें,
नहीं, हाँ ये तो स्कूल में हमने किया है प्रैक्टिकली कि फैट से कैसे बनाना है सोप, कैसे बनता है, बनता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के। कौन सा, किसको, खाने की बात नहीं कर रहा, यूज हो रहा है। दूसरा जो आप बटर वगैरह उसमें भी होता है ये, है ना, तो उसमें है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल की जगह डाल देते हैं फैट, कैटलिस्ट होता है उसमें निकल और हाइड्रोजन गैस डाल दी जाती है, वो बन जाता है वो जो डालडा है आपका, और मस्त डालडा की पूरियां जाती। सो यस यू नेवर नो कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना। ठीक है, जब तक चल रहा है अच्छा चल रहा है, राइट तो इम्पैक्ट क्या है इसके, अब बड़ा तगड़ा साइकिल है ये। सबसे पहले आप प्रोडक्टिविटी या यील्ड पे लाइए कि यील्ड डिक्रीज हो गई, ऑब्वियस है, तो क्या होगा ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगी। अगर पर यूनिट यानी कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम होगी तो ओवरऑल स्टेट की, ओवरऑल कंट्री के जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो उसके अपने इम्पैक्ट हैं। सबसे पहला तो ये है, वो हम बात करेंगे क्यों है, थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। हम तो पहले स्टार्ट मैंने कहाँ से किया कि पंजाब का, तो क्या फर्क पड़ गया, 132 लाख एम्प्टी था, इस बार हम 100 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योर कर लेंगे, 32 लाख मीट्रिक टन कम हो तो क्या हो गया। ये उसके लिए है जिसने 10 किताबें पढ़ ली, वो कहते एक किताब नहीं रिवाइज की तो क्या हुआ, 9 तो रिवाइज कर रखी है तो पर उनका पास हो जाएगा नहीं। ये मेरे जैसे के लिए होता है जिसने किताब एक पढ़ी और वो भी रिवाइज नहीं की है, राइट। तो यहां पे फूड सिक्योरिटी किसके लिए, अगर पूरे कंट्री की बात करेंगे, बाकी तो स्टेट्स ने जो प्रोड्यूस नहीं करती है, उनको जो एक्सेस मिलना था अब वो 32 लाख मीट्रिक टन, अरे राजस्थान की इतनी प्रोडक्शन नहीं है सारे की मिला के भी, जितनी हमने कम कर ली तो पूरी एक स्टेट का शेयर उड़ गया, और पूरी एक स्टेट का मतलब मुझे लगता है मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन अ स्टेट, ऐसा तो होगा, कुछ लाख लोग तो रहते होंगे, जैसे हिमाचल है छोटा सा है एरिया में, तो बड़ा है वैसे पंजाब से, कितने लोग रहते हैं हिमाचल में, बस यही कुछ चंद लोग, 1 करोड़, ओके चलिए हाँ 1 करोड़, एक आइडिया लगाइए, 70 लाख तो बहुत कम हो गया। दिल्ली में जबकि ज़्यादा रहते हैं, 65 लाख है जो वहाँ सेंसिस का था, अब तो बढ़ जाएगा वो, तो इतने लाख हैं, तो इतने बड़े हिमाचल में इतने से लोग रहते हैं, और वहाँ पे अगर फूड प्रोडक्शन इस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, वहाँ तो हिमाचल में मुझे लगता है वैसे ही कम है, और वो है तो क्या होगा, सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी उसको थ्रेट होगी किसी भी तरह से, वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अब एग्रीकल्चर डजंट मीन फूड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर मीन्स फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर मीन्स डेयरी, एग्रीकल्चर मीन्स पिस्की कल्चर, एपी कल्चर, ये सारे कल्चर उसमें आ जाते हैं, है ना। और अगर फूड सिक्योरिटी इसको थ्रेट हुई, ये सोशल इश्यूज है ना, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ये भी मुझे लगता है हमने डिस्कस किया था, माल न्यूट्रिशन का कुछ हमने डिस्कस किया था पॉसिबिलिटी, जब फोर्टिफाइड राइस की बात हमने की थी, है ना, हाँ तो वो इंसिडेंस बढ़ेंगे, तो जो सोसाइटी आपकी कैसी होने वाली है, वो सोसाइटी जहाँ पे हंगर है, वो सोसाइटी जहाँ पे लोग माल न्यूट्रिस्ट हैं, अब उसका इम्पैक्ट आगे सोचिए क्या होने वाला है। सबसे पहला हंगर है, क्यों है, पावर्टी है, ठीक है। अगर आप कह लीजिए कि परचेजिंग पावर भी है लोगों की, बट वो तो तब है ना कि अफोर्डेबल है, जब एक्सेसिबल तो हो, जब फूड ग्रेन ही नहीं होगा तो परचेजिंग पावर का क्या करेंगे आप, जब मार्केट में वीट राइस अवेलेबल नहीं होगा तो पैसा जितना मर्जी है इट्स ऑफ नो यूज। तो सबसे पहले तो हंगर है, हंगर को आप और माल न्यूट्रिशन को लिंक कीजिए, जो आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, मेरे देश का यूथ, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, यूथ बैठा है यहाँ पे, है ना, और यूथ प्रोग्रेसिव है। अब पूरे इंडिया के यूथ की बात कीजिए, वो यूथ जिसको ये चीज़ें नहीं मिल रही, बेसिक नेसेसिटी है, पावर्टी है और माल न्यूट्रिशन है, तो क्या होगा, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करते हैं वो यूज़ लेस हो जाएगा, जिसको आप यूज़फुल कहते हैं, जिसके बारे में इवन
जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखते हैं कि वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब क्या है कि वी हैव सरप्लस वर्कफोर्स पॉपुलेशन। उससे क्या होगा, अगर हमारे पास सरप्लस वर्कफोर्स पॉपुलेशन, जो लोगों के पास नहीं है, मीन्स दूसरे कंट्रीज के पास नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर ज़्यादा होगी। जब लेबर ज़्यादा है तो आपकी जो प्रोडक्शन है कंट्री की वो इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी और इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप होगा। पर वो डेवलप कहाँ करेगा, जो पहले ही माल न्यूट्रिस्ट होंगे और पावर्टी स्ट्राइकन होंगे, हंगर होगी, तो उल्टा क्या होगा, मुझे लगता है जो सिविल राइट्स हैं ये उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक ड्रीम रहेगा, सोचते थे वो ड्रीम ही रह जाएगा, यूजलेस हो जाएगा वो, है ना। तो जो जिसको आप कहते हैं कि ये डिविडेंड है वो क्या बन जाएगा आपके लिए, बर्डन। एक वर्कफोर्स जो आपको लगता था प्रोडक्टिव होगी, अब वो क्या बन गई आपके लिए, बर्डन बन गई है। ऊपर से जब उसके पास स्किल नहीं होगी, स्किल कौन देगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे। उसके बाद आगे आ जाइए, ये चीजें होंगी तो अल्टीमेटली अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो फार्मर की इनकम कम होगी। इंडिया कहां पे रहता है, रूरल एरिया में। इंडिया में कितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मोर देन 60%। और अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम होती है तो किसी की इनकम कम होगी, किसकी, उस 60% पॉपुलेशन की इनकम कम होगी, यानी कि जो इंडिया है उसकी परचेजिंग पावर कम होगी। और मुझे लगता है परचेजिंग पावर वो चीज़ है जिसके दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो कम हो गई तो पहला हैंडीकैप यहीं से स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये जरूर है कि अगर ऐसा नहीं कि एक ही परचेजिंग पावर कम है, एक ही प्रोडक्शन कम है, एक ही इनकम कम है तो सभी की कम होगी, नो। पैसा तो लिमिटेड है, जितने भी लाख करोड़ इंडिया में उतना है, अगर एक के पास कम है इसका मतलब दूसरे के पास ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो अनइक्वल है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा अनइक्वल, यानी कि पैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इनइक्वलिटी बढ़ेगी सोसाइटी में, हैव और हैव नॉट्स। अगेन हम कहाँ जा रहे हैं, दोबारा से सिविल राइट्स, सिविल वॉर उस तरफ जाने की बात कर रहे हैं, जो है ना एक्सट्रीमिज्म तब बढ़ता है। आपके पेपर थ्री में एक टॉपिक होगा इंटरनल सिक्योरिटी में, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, है ना, इसको लिंक कर लेना। और जितना भी इंडिया में एक्सट्रीमिज्म है, जहाँ भी आपको लगता है मिलिटेंसी है, चाहे वो नक्सलाइट्स हैं या कोई और एरिया है, वहां रीजन उठा के देख लेना क्या रीजंस हैं। जहां भी आपको लगता है यहां कम्युनल हार्मनी नहीं है, यहां लोग लड़ते हैं, रीजन देख लेना उठा के, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन स्टडी कर लेना, यू विल गेट टू नो हो क्या रहा है। जहां पे भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है वहां ये आपको इंसिडेंट देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने वाले। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट कहां पे आएगा, और अगर ये चीज की प्रोडक्शन कम हुई है, ये चीजें हो रही हैं, अल्टीमेटली आपके पास जो सरप्लस है नहीं होगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने कह दिया कि एक्सपोर्ट करेंगे, वही तो हम प्लान कर रहे थे। वॉर चल रही है उधर यूक्रेन में, हमें अच्छा मौका मिल गया, बढ़िया है, वॉर चल रही है, चलने दो, क्योंकि दूसरे कंट्रीज को सप्लाई नहीं होगा वीट, हम सप्लाई करेंगे, पैसे बनाएंगे। हीट वेव आ गई तो अब क्या होगा, अब डबल बेनिफिट होगा, किसका, जो लोग पैसे बनाना जानते हैं उनका, बाकियों का नहीं होगा, राइट। क्योंकि प्रोडक्शन कम है, जिसके पास पैसा है वो सारा स्टोर कर लेगा, होल्डिंग होगी, और वो कहाँ भेजेगा, इंडिया में नहीं, बाहर। तो इंडिया के लोग सफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और जो वो हाउसेस हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, वो इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कोविड आया, सुना आपने कोविड, ओके, वह लगता नहीं पता होता, ऐसा होता है क्लास के बाद बच्चे आते हैं कि हमें ये नहीं पता, हम यहाँ बोल देते हैं कुछ भी, है ना। तो कोविड आया, कोविड में इंडिया की इकोनॉमी कुछ इंपैक्ट पड़ा, देखो मैंने आपको पहले बताया पैसा तो लिमिटेड है, जितना है उतना ही रहा, पैसा तो कहीं गया नहीं ना। फिर इकोनॉमी डाउन हुई, लोगों की परचेजिंग पावर डाउन हुई, और बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, इंडस्ट्री बंद हुई, प्रोडक्शन सबकी लो हुई एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो फिर हुआ क्या, अगर लोग गरीब हुए फिर पैसा कहाँ गया, इसका मतलब किसके बिजनेस मल्टीप्लाई हुए, किसके, जिसको मैनेज करना आता है, जिसको रिसोर्स को यूज करना आता है, बस वो नहीं सिखाया जाता इंडिया में, बस इसीलिए जो सीख जाता है वो कर लेता है एनी हाउ।
और अगर ऐसा होगा, एक्सपोर्ट है, प्रोडक्शन आपका कम हो रहा है, फूड सिक्योरिटी है, तो अल्टीमेटली जो इस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट जितनी इंडस्ट्री हैं उन पे असर पड़ेगा। एग्रो या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सारी एग्रीकल्चर पे है, उस पे असर पड़ेगा, मुझे लगता है पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट आपकी कम होगी। अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होती है तो दो चीज़ें, एक तो जीडीपी वो कम होगी, और वैसे क्राइसिस है किसका, सप्लाई नहीं है मार्केट में, तो इन्फ्लेशन होगा। या तो एक्सपोर्ट कम होगा, अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया फूड ग्रेन तो यहाँ पे मार्केट में सप्लाई नहीं है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, और अल्टीमेटली आपकी जीडीपी डाउन जा सकती है, डिक्रीज कर सकती है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हैम्पर हो सकती है, वो सफ़र कर सकती है। तो एक विशेष साइकिल है ये पूरा, सिर्फ किस चीज़ से फर्क पड़ रहा है, तो जो हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज से कुछ नहीं हो सकता, एविडेंस आपके सामने है, क्या हो सकता है, ज़्यादा मत सोचिए, हमें ज़्यादा टेंशन होने लगती है कितना हो सकता है ना। तो कल से एक एक पेड़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए सारे, और कोशिश कीजिए अपने साथ में भी रखा कीजिए, बैग में भी रखा कीजिए, हाँ, ताकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ सके, नहीं ऐसा होना चाहिए। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स था जो मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कि अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें 2005 से 19 तक इंक्रीज होती रही है, बीच में जरूर इरेटिक है, रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मॉनसून का फेलियर हो सकता है, लीनो लानिना की वजह से कुछ और हो सकता है, बट ओवरऑल जो है इंक्रीज हो रहा है फूड प्रोडक्शन, तो ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने पहले बात की हमें क्या देखना होता है हर साल, ग्रोथ, जो कि हम पढ़ाई में नहीं देखते वैसे देखते हैं कि पिछली बार कितना प्रोडक्शन हुई थी, इस बार ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक है। और ये 21-22 का टारगेट अगर हमारा था कि कितना राइस वीट सारा मिला लीजिए, तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 295 है, यहाँ 307 है, दिस इज मिलियन टन, नॉट लाख टन, दिस इज मिलियन टन, और 10 टाइम कर दीजिए तो वो कितना हो जाएगा, लाख टन में कन्वर्ट हो जाएगा, इतने प्रोडक्शन है हमारी, तो हमें लगता है कि बहुत है, सफिशियंट है कि नहीं है, ये बहुत है, 307 मिलियन टन, और क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, ठीक है। और अगर स्टेट वाइज बात करें, जो मेजर स्टेट हैं जो जहाँ पे लगता है कि वीट प्रोड्यूस होता है, जो फोकस करती हैं, इधर पंजाब की बात करें, पंजाब 129 से पिछली बार डिक्रीज हुआ था, और उसके बाद 132 लास्ट ईयर ले गया, और इस बार हमने टारगेट थोड़ा सा कम कर दिया है, वो तो आपको पता ही, हीट वेव की वजह से, बट ओवरऑल तो इंक्रीज है। अगर देखें यहाँ पे इंक्रीज है एमपी में, एमपी ने तो कुछ स्पेशल किया होगा, क्योंकि एमपी पहले वाज नॉट द लार्जेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया, बट लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि पंजाब से ज़्यादा उसने प्रोड्यूस किया, तो एक तरह का रेवोल्यूशन वहाँ पे आया जो एमपी में पहले नहीं था। अब क्या हुआ होगा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, हो क्या गया एमपी वालों को, या हो सकता है पंजाब वाले लोग चले गए हों, हाँ कि जहाँ पंजाब वाले जाते कुछ कमाली करेंगे जाके, ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं पंजाब में, जब लैंड अक्वायर हो रही है तो यहाँ के लोग वहाँ जाके लैंड परचेज कर रहे थे, क्योंकि वहाँ रिलेटिवली सस्ती है, चीपर प्राइस पे मिल जाती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। हरियाणा थोड़ा सा डिक्लाइन है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, बट है। अब कंपेयर कर लीजिए इनके प्रोडक्शन से, पंजाब के प्रोडक्शन को राजस्थान या यूपी से कंपेयर कर लीजिए, थोड़ा सा फ़र्क है, चलो बहुत कह लो, अच्छा लगता बहुत कहते हुए, इंडिया की बात करें थोड़ा सा फ़र्क है, अगर दो लोग बैठे हैं, एक को कम आता है, एक को ज़्यादा आता है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंस है ना। इसका मतलब एक देखिए कि ये वो स्टेट है जो हम मेजर कह रहे हैं, यहाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वॉट अबाउट अदर स्टेट, वो कितना प्रोड्यूस करती होंगी, ठीक है, ओवरऑल वीट की प्रोडक्शन, तो यहाँ तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वी हैव मिलियंस ऑफ टन फूड ग्रेन स्टॉक्स, और बफर स्टॉक्स भी हमारे पास होता, कितना साल दो साल का हम स्टोर करके रखते, कि अगर कोई क्राइसिस आ गया इंडिया में, किसी वजह से वॉर स्टार्ट हो गई, हमारे पास दो साल से ज़्यादा का बफर स्टॉक हमेशा रहता है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी अगर मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब के पास 200 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन अभी भी पड़ा है पंजाब के पास, और इतना सफिशिएंट है पूरे इंडिया को खाना खिलाने के लिए, कल्ला बहुत है पंजाब,
है ना, बाकी की जरूरत नहीं है। बट एक चीज है, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा लगेगा कि यस देयर इज समथिंग समथिंग रॉन्ग। क्या है ये? कंट्री का फूड प्रोडक्शन एंड नेट अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर ईयर। अब इसको ग्राफ को देख लीजिए, तो दिस इज द फूड प्रोडक्शन, बहुत अच्छी बात है, हमने पहली बात की कि हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो रही है, वो होनी भी चाहिए थी। व्हाट अबाउट नेट अवेलेबिलिटी? कहाँ पे है? जो 1970s में थी, कुछ ज्यादा तो नहीं अचीव किया हमने? पर कैपिटा पर हेड जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, या वो इसके साथ मैच नहीं करती। इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए था? ऐसे होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, उस रेट से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती, सिंपल। और जब ऐसा होगा तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी डिक्रीज हुई, अगेन इट लेड टू व्हाट? फूड सिक्योरिटी को थ्रेट है। पहले लेट अस से आपको 100 किलोग्राम मिलता था साल में खाने के लिए, अब वो 50 किलोग्राम रह जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? मालन्यूट्रिशन, हंगर। कितना है ये? 177 किलोग्राम। अब लगता है इतना थोड़ी खाते हैं, 365 डेज, और कितने किलोग्राम है? 177। कितना हो गया पर डे? आधा किलो। आधा किलो के हम तो खाते नहीं, आधा किलो हम तो दो चपाती खाते हैं, दाल को हम गिनते नहीं। फूड ग्रेन में सब कुछ आता है, ग्रेन मीन्स ग्रेन, सारे ग्रेन है उसमें, तो खा जाते हैं आधा किलो, ज्यादा खाते हैं। हम जैसे लोग तो नहीं खाते हैं, नहीं यहाँ के लोग तो कम खाते हैं, वो 100 ग्राम में भी काम चला लेंगे, पर अगर पूरे इंडिया के एवरेज लेंगे तो मुझे लगता है फिर वो कम रहेगा। ऐसे भी लोग हैं जो शायद 2-2 किलो खाते हों पर डे। हाँ, आपने आपको मत देखिए ना, हमारे से क्या है कि एक चपाती खा के खुश हो जाते हैं, बहुत है, बहुत ज़्यादा खा लिया, तीन चपाती खा ली मतलब ओवर ईटिंग हो गया, पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकते। हाँ, एक प्लेट बिरयानी खा ली तो बस अब तो ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, और बर्गर खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, अब तो सारे दिन कुछ खाने की जरूरत नहीं लगेगी। सारे लोग ऐसे नहीं ना हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट है इंडिया, 60% पॉपुलेशन, कैलोरीज रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होती है, अगर आपको पता हो तो। हमें चाहिए कितनी? अरे 1500 किलो कैलोरीज में हम काम चला लेते हैं, वहाँ चाहिए 3000, डबल है, और वो खाते कितना होंगे? 4000 कैलोरीज, वहाँ पूरा नहीं पड़ने वाला। तो जो थ्रेट है, दैट इज लूमिंग, फूड क्राइसिस जो है वो तो आपके सामने नजर आ रहा है। अगर यही यही रहा कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये नीचे की तरफ जाता रहा, तो जो माल न्यूट्रिशन अभी आप सुनते हैं कुछ एरिया में, वो पूरे इंडिया में हो जाएगा। फूड अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अभी तो लगता है बहुत है, कहाँ पे है? अब यहाँ पे उड़ीसा में चले जाइए, उड़ीसा में फूड अवेलेबिलिटी होगी, यहाँ पे अब अफोर्डेबिलिटी एक्सेबिलिटी सब कुछ है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। उन एरियाज में यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है, वहाँ पे जाके देखिए, देन यू गेट टू नो कि क्या होता है। अगर यहाँ से फूड सप्लाई ना हो वहाँ पे, अगर 2 मिनट के लिए FCI को हटा दीजिए, ये काम FCI का है। FCI करती क्या है वैसे, पता किसी को? कि नाम हमने सुना है, इतना बहुत है कि फुल फॉर्म भी हम बता देंगे, इट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो फूड देती है। कहाँ देती है? फूड ग्रेन देती है। क्या करती है FCI? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे स्टेट्स में फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किए जाते हैं, नंबर वन, उनको स्टोर किया जाता है बाय FCI, और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कहाँ पे? डेफिसिट स्टेट में। कहाँ से? सरप्लस स्टेट से। और अगर सरप्लस स्टेट में ही सरप्लस ना रहा तो क्या करोगे? जहां पे पंजाब हरियाणा बात करते हैं कि देयर आर एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सो वी नीड टू स्विच टू अदर क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ पैडी एंड वीट ओनली, ऐसे भी हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रोडक्शन ये ऐसा हो रहा है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, और ऊपर से हम कहते हैं कि हमें वीट और राइस ग्रो नहीं करना, फिर क्या होगा? फिर कुछ और हो सकता है सर। अब अगर 2-3 स्टेट जहां ये हो रहा है उसको हटा दीजिए, फिर ये क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर अफोर्डेबिलिटी छोड़िए, एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर अभी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट करने की। जो 60s में था इंडिया, अर्ली 60s में क्या था इंडिया, अर्ली 60s में
फूड डेफिसिट कंट्री, दोबारा से वही हो जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा पहले जो रोटियां हैं किसकी बनती हैं, वीट की, वो नहीं हुआ करती थी, स्पेशल ओकेजन पे बनता था। अभी स्पेशल ओकेजन पे बनता है, अब स्पेशल ओकेजन पे बनता है मक्की की रोटी। हाँ, बाजरा उसको चलता लगता है कि स्पेशल को यूनिक चीज है, दैट वाज द स्टेपल डाइट। यहाँ वही था इस एरिया में भी, जो पंजाब का एरिया मक्की के लिए था पहले, और जो राजस्थान वहाँ आज भी कोर सीरियल्स हैं वही हैं, तो दोबारा से वहीं पहुँच जाएंगे। तो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या किया जा सकता है, रेमेडी क्या है, दो चीज़ की बात करते हैं रेमेडी में। या तो आप उसको मिटिगेट कर दीजिए, या भाई अडेप्ट कर लीजिए। कि ज्योग्राफी समझ नहीं आती जीएस में, या तो ज्योग्राफी को यूपीएससी कह के हटवा दीजिए, एक तो वो तरीका ठीक है, या फिर गले पड़ा ढोल है बजाना पड़ेगा, या अडेप्ट हो जाइए कि ज्योग्राफी तो पढ़नी ही पड़ेगी, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। या तो क्लाइमेट चेंज आप होने से रोक दीजिए कि आज के बाद क्लाइमेट चेंज होने नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए, हम पोल्यूशन नहीं इंक्रीज होने देंगे, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे, हम पेड़ को पकड़ के खड़े जाएंगे, काट के दिखाई। ऐसा हुआ था कभी, चिपको मूवमेंट हुआ था, मुझे सुना है, मैंने बचपन में देखा तो नहीं, मैं बहुत छोटा हूँगा कभी, कि 50 साल पुरानी बात होगी मुझे लगता है, है ना, हाँ तब की बात है। तो वो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है, अडेप्शन। गर्मी बढ़ रही है, आप गर्मी को रोक नहीं सकते, एसी लगा के अडेप्ट हो सकते हैं, कार में सी लगाए चल पड़े, रूम में सी लगाए बैठ के आराम से पढ़ लिया, अडेप्शन है ना ये। तो वही फूड क्राइसिस है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अडेप्शन करनी पड़ेगी, चाहे फूड के लिए कह लीजिए या टोटल ओवरहॉल कर लीजिए किसका, वेदर का, क्लाइमेट का, सारी चीज़ों का, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। क्या क्या सुनते हैं उसमें, एक तो ये है जो कुछ थ्योरी में बहुत अच्छी बातें लगती हैं, हम ना बड़े बड़े मिरर लगा देंगे स्पेस में, उससे पता क्या होगा, जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस लाइट ऑब्जॉर्ब करती है, सनरेज को ऑब्जॉर्ब करती है, सनरेज आएगी नहीं तो ऑब्जॉर्ब क्या करेंगी वो, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल डिमिंग होगी। हम बड़े बड़े ना मिरर लगा देते हैं, ऐसे आइडियाज हैं, बच्चे ऐसे आइडिया देते हैं तो बड़े भी ऐसे आइडिया देते हैं, और आप भी लिख सकते हैं एग्जाम में, तो लिख ही सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हम ना क्लाउड को थिन कर देंगे, उससे क्या होता है, जब क्लाउड कवर होता है वो रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, जब वो ट्रैप कर लेते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है वो भी ट्रैप कर लेगा, और एटमॉस्फेयर क्या होगा, ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, वार्म अप हो जाता है, जब भी क्लाउड कवर होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है, तो हम उसको थिन कर देंगे। हम ना यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में एरोसोल डाल के आ जाएंगे, उससे क्या होगा, और वहाँ पे वेपर्स होंगे, ठीक है, तो जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाहर की तरफ। ऐसे ही हम करेंगे कहाँ पे, ओशन में भी ब्राइट कर देंगे, जितना ब्राइट होगा उतना वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो रेडिएशन भी कहाँ पर जाएंगे, जब रेडिएशन नहीं होंगे तो जो हीट बजट है वो आपका बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस का इम्बैलेंस हो जाएगा। और हम कहते हैं बिल्डिंग भी ऐसी बना देंगे जो लश लश चमकारे मारती हो और उस पर लाइट पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट हो गए वापस, हम आने नहीं देंगे। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं एक सेंटेंस में, जो एल्बिडो है हम उसको इंक्रीज कर देंगे। अभी कितनी एल्बिडो, आईएएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये कलर के पेपर में आते होंगे जिनको पता ही नहीं होता, स्टेट में ऐसे एल्बिडो क्या होती है, लूडो नहीं है ये, एल्बिडो है। तो क्या करूं मैम, सो सॉरी, यहाँ ऐसी टर्म है तो बोलना पड़ता है ना, अब तंग हो सकते हैं कुछ लोग, क्या द एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ, जो कभी अर्थ पे आते ही नहीं, 100% जितनी सोलर रेज आती है उसमें 35% रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं, चाहे वो क्लाउड कवर की वजह से या आइस कैप स्नो कवर जो माउंटेन्स है उसकी वजह से 65% जो अर्थ पे पहुंचती है, और सरफेस पे सिर्फ 51% पहुंचती है, वो आपको पता होगा, क्योंकि बीच में जो 14% वो एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये लगा दी ना, सॉरी प्लान कर लिया, तो क्या होगा,
एल्बिडो ना 35 से बढ़ के 50% हो जाएगी। तो 15% अगर हमने सन रेज रिड्यूस कर ली, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है, तीन फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, और वो सारा क्यों ना, बिकॉज ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको इंसोलेशन बोला जाता है ना। तो एक तो ये कर सकते हैं, चलो बच्चों के लिए अच्छी बातें हैं ये ऐसी बातें इंजीनियर्स करते हैं या बच्चे करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो बहुत मुझे लगता है मुश्किल है। और कितना बड़ा मिरर ले जाओगे आप स्पेस में, अर्थ का डायमीटर कितना है, 6400 ना उसका रेडियस है, मैंने इसलिए डायमीटर पूछा, मुझे पता आप वही बोलोगे, क्योंकि सबको पता है ए फॉर एप्पल, सबको यही लगता है। और अगर डायमीटर इतना है या रेडियस 6400 किलोमीटर कुछ ऐसा कहते हैं, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा मुझे ऐसा लगता है। फॉर्मूला नहीं पूछना ठीक है, क्योंकि मुझे वो भी आता है फिर राइट। तो उसके कंपैरिजन में कितना कितना बड़ा स्पेस पे ले जाओगे आप, मिरर कितना बड़ा ले जाओगे, 5 किलोमीटर का, कौन से प्लेन में रख के ले जाओगे, बलून में रख के उड़ा देंगे जी, पहुंच जाएगा ऊपर, 5 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं अर्थ के लिए, तो निगलिजिबल है तो मुझे नहीं लगता। हाँ ये एरोसोल इंजेक्ट कर लोगे कुछ, शायद कुछ कुछ कर लो, पर मुझे नहीं लगता, पॉसिबिलिटीज़ हैं 10-20 साल में वो आप कह लो कि हमने कर दिया, कुछ ऐसा करना पड़ सकता है आपको, इफ़िशेंट बनना पड़ेगा, जो एनर्जी है वो इफ़िशेंट लानी पड़ेगी, कौन सी, जो रीन्यूएबल एनर्जी है, जो सोर्स है आपको, वो स्विच करने पड़ेंगे ग्रेजुअली, क्योंकि अल्टीमेटली ये हो क्यों रही है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आती हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन है ये लोग, कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती है ग्रीन हाउस गैसेस, चाहे वो आपका एनर्जी कौन सा, जो थर्मल है, पंजाबी गाना सुनाया था ना मैंने, तू उड़दा थर्मल दा, अब वो काम आता है, क्या बनता है उसका, दैट इज कॉल्ड फ्लाई ऐश ठीक है, और उसके ब्रिक्स बनते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनता है, बाकी जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उसमें से राइट, वो आपको पता है। तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कर रहा है, फिर ये जो आपका इंडस्ट्रीज हैं, मुझे लगता है ये भी कुछ कर रही है, और हम सुनते भी कि एसिड रेन किस वजह से होती है, कहाँ पे होती है एसिड रेन, जहाँ पे इंडस्ट्री होगी पॉल्यूटेंट्स जाएंगे, और इसीलिए न्यूज़ में कुछ साल पहले चला करता था जो ताजमहल है, ताजमहल पे क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, वो इरोजन हो रहा है उसका, क्योंकि वो मार्बल है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड कहाँ से आ गए, जो पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं ऊपर, जो प्रेसिपिटेट होते हैं तो वो एसिड बना चुके होते हैं, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये क्या है, अगेन पॉल्यूटेंट्स हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग में तो इंडस्ट्री है आपकी, चाहे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है आपका, कौन सा, ट्रांसपोर्ट, जितने भी व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है पूरे ग्लोब पे कह लीजिए, किसी भी सिटी में कह लीजिए, अल्टीमेटली वो सबसे ज़्यादा वो ये अफेक्ट करता है, सिटीज़ में तो सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूशन आपको मिलेगा किसका मिलेगा, अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो लास्ट इंडस्ट्री एरिया से बाहर है, बाकी चंडीगढ़ में इंडस्ट्री इधर है कोई नहीं है, तो चंडीगढ़ में पोल्यूशन होता है कि नहीं होता, मुझे लगता है होता है, अगर नहीं है तो क्रीम लगा के निकलिए अच्छी सी, है ना, और फिर 4 घंटे बाद चेक कीजिए वो क्रीम का क्या हुआ होगा, तो इसका मतलब है हर जगह पे है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पोल्यूशन डजंट मीन कुछ गैसेज ही हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, कंट्रोल करनी पड़ेगी, जो लाइफ स्टाइल है ना ये एक्चुअली उसकी तरफ जाता है, आपको वो चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स बिल्डिंग कोड्स लेके आई है ना, एनर्जी इफिशियंट गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो क्या है, एनर्जी इफिशियंट हैं, तो ये सारी चीज़ें किस लिए, ताकि कंजप्शन जो है पावर की वो कम हो सके, जितनी पावर कंजप्शन कम होगी, जितनी आपकी डिमांड कम होगी, हमको उतनी कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं आपको क्या चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए, और जहाँ पे जितनी एनर्जी चाहिए उतनी डेवलपमेंट, और जितनी डेवलपमेंट है उतनी डिस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आप उतने ही ग्रीन हाउस गैसेस और पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्री है, ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा वो पोल्यूटेंट्स भी डिस्चार्ज करते हैं, चाहे वाटर पोल्यूट करते हैं वो, चाहे वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, होती कि नहीं होती, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, उनसे केमिकल वो रिलीज करते हैं, तो सॉइल को भी कर रहे हैं वो,
एटमॉस्फेयर को भी कर रहे हैं, हर चीज़ को पोल्यूट कर रहे हैं, चाहे वाटर हो, सबको पोल्यूट वो कर रहे हैं। तो सारा ओवरऑल कहाँ जा रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं इसको, तो ये करना पड़ेगा। और अगर आप बात करें अडेप्शन, तो अडेप्ट हो जाइए, क्या कर सकते हैं, कुछ तो चीज़ें ये हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लानी पड़ेंगी आपको, अपने बिल्डिंग्स जो जैसे हम कह रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग्स, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट होना पड़ेगा कि आपको पता है गर्मी तो रहनी रहनी है। मिडिवल इंडिया, एंशियंट इंडिया नाम सुने होगा आपने कभी, हिस्ट्री में ये वर्ड सुनते हैं, उस टाइम एसी नहीं हुआ करते, मुझे ऐसा लगता है अशोक के पास एसी नहीं थे और ब्रिटिशर्स के पास भी एसी नहीं थे, फिर वो कैसे रहते थे यहाँ पे, क्यों आजकल के इंजीनियर को नहीं आता वो चीज़। अच्छा स्पेस नहीं है, स्पेस ऐसे नहीं है, ऊपर को तो स्पेस है, तो इसका मतलब कुछ सीखिए हिस्ट्री से और मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस प्लेनेट को छोड़ के भाग नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी जगह पे रह के अडेप्ट करना पड़ेगा, कि आप तैयारी छोड़ के तो भाग जाइए, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा कि इतने घंटे पढ़ना है इतनी मेहनत से, तो अडेप्ट करेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा, नहीं तो फिर मिटिगेशन है कि तैयारी छोड़िए और मिटिगेट कर दीजिए सब कुछ, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, नहीं मुझे सबसे अच्छा लगता है कि छोड़ के भाग जाइए और फिर पूरी उम्र भर रिग्रेट करते रहिए। हाँ उससे एक फायदा होता है, कैंसर जल्दी होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है। लैंडस्केप रेस्टोर कीजिए, यानी कि अफॉरेस्टेशन, सिंपली हम पहले ही बात कर चुके हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, वो पहले भी बढ़ती थी, अब कौन सा नहीं बढ़ रही है, पोल्यूशन तो हो गई होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो करना क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाइए, है ना, और ये तब हो रहा है जब हमारे जो कंपोजिशन है वो कितना है, 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितनी है, और 1% में सारा कुछ है, और ये 1% हिला के रख देता है, पर मुझे लगता है ये ओवरऑल हो सकता है अगर आप स्टेट टू स्टेट या एरिया टू एरिया काउंट करेंगे तो फिर ये शायद जो कंपोजिशन है वेरी कर सकती है, तो इसकी कंपोजिशन 21% ही रहे और ये रिड्यूस हो जाए जितना आप कर सकते हैं तो आप अडेप्ट कर पाएंगे। जैसे चंडीगढ़ है, यहाँ पे प्लांटेशन ट्री की बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद आप बाहर वॉक करके अभी भी जा सकते हैं, दिल्ली में चल के दिखाइए, अगर वहाँ पे अभी आप प्लांटिंग कर देंगे ट्रीज़ की तो मुझे लगता है लैंडस्केप चेंज हो जाएगा, फिर फर्क पड़ेगा, फिर आपको कार का एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ओवन बनी होती है दिल्ली, जिनको कहते हैं हीट आइलैंड बना होता है, अर्बन हीट आइलैंड्स, वो हीट आइलैंड कम हो जाएंगे, जो टेम्परेचर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना टेम्परेचर राइज होता है वहाँ का वो रिलेटिवली कम होगा। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऐसे है कि अगर एक क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते तो आप दूसरी पे स्विच कर जाए, क्योंकि ऐसी क्रॉप भी होंगी जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, जिनको कम वाटर चाहिए, ऐसी भी क्रॉप है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें फूड प्रोड्यूस करना है, कोई भी हो, फूड इज़ फूड। हाँ वो अलग बात है कि आपको कि मुझे तो सिर्फ पिज़्ज़ा चाहिए, वो वीट का बनेगा, बाजरे का नहीं बन सकता, तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज स्विच कर सकते हैं। दूसरा हमने पहले बात की थी कि वो ज़रूरी भी है, किस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी यूनिफॉर्म पूरे इंडिया में नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो भी इवन नहीं है, आपको पता है किस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होता है और किस एरिया में कम होता है, पंजाब में रिलेटिवली कम है, बट यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, क्योंकि वी हैव मीन्स ऑफ इरिगेशन, और जहाँ पे दोनों ही नहीं है तो हमने बात की थी वी नीड टू फोकस ऑन द ड्राई लैंड फार्मिंग, और उसका बेनिफिट क्या होगा, दो बेनिफिट है उसके, इन एरियाज में हम क्या उगाते हैं, वीट और पैडी, साइंस में आ जाइए, वो क्या है, वो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, तो फूड सिक्योरिटी के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, और जो कोर सीरियल्स हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे पल्सेस उगती हैं, मध्य प्रदेश ठीक, और जैसे राजस्थान है
और गुजरात, गुजरात इज फेमस फॉर ग्राउंडनट, मुझे लगता है सारी ये क्या है, जो ग्राम है, पल्सेस हैं और ग्राउंडनट, ये क्या है, सारा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो प्रोटीन भी चाहिए, और वो कहाँ पे होगा, वहाँ पे रेनफॉल आपको कितनी चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, तो वो ड्राई लैंड। और ड्राई लैंड फार्मिंग वैसे होती क्या है कि जहाँ पे आपको इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, वो एग्रीकल्चर जो रेनफॉल पे डिपेंडेंट हो उसी में हो जाएगा। 700 mm इज सफिशेंट, तो आपके डबल बेनिफिट हो गए कि एक तो विदाउट इरिगेशन फैसिलिटीज आपने रेनफॉल में ही क्या कर लिया कि जितनी भी ऑप्टिमम रेनफॉल है उसमें आपने एग्रीकल्चर डेवलप कर लिया अपना, और दूसरा जो इनपुट्स चाहिए आपको माल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए, कम करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए, वो आपको मिल जाएंगे, प्रोटीन मिल जाएगा जो कि यहाँ से तो नहीं मिलता है, तो डबल बेनिफिट हो सकता है। तो आपको स्विच करना पड़ेगा, पिज्जा के साथ दाल खाना सीखिए, है ना, चीज़ की जगह कुछ और डालना सीखिए, पनीर खाना सीखिए उसके साथ, है ना, तो उसमें तो फैट ज़्यादा होती है जो चीज़ वीज़ खाते हैं, तो स्विच कीजिए किसी भी चीज़ पे। रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी, ये रिसर्च ही है सारी, बायोटेक्नोलॉजी, अब साइंस ले आई यहाँ पे, यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूरा टॉपिक होगा आपका, साइंस में आपने कभी पढ़ा होगा, यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ, इन एग्रीकल्चर, है ना, अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कुछ फ़र्क पड़ सकता है, वो भी क्या, अडेप्शन है, क्योंकि हम टेम्परेचर तो कम नहीं कर सकते, अगर सॉइल अल्कलाइन हो गई है तो अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर कुछ एरिया जहाँ पे आपको कल्टीवेशन करना है और वहाँ का जो वाटर है वो ब्रैकिश वाटर है, तो आप क्या करेंगे, अडेप्ट करना पड़ेगा, पानी को तो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका आंसर है कि नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जीन लेवल पे मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसको आप जीएम क्रॉप्स बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीन चेंज कर दिए किस चीज़ का, जो प्लांट वहाँ उगते हैं उनमें अडेप्टेबिलिटी है उस चीज़ की, जैसे सुंदरबन है, सुंदरी ट्री है, उसमें अडेप्टेबिलिटी है कि वो सेलाइन वाटर में ग्रो करता है। जो राजस्थान में ट्री हैं उनमें अडेप्टेबिलिटी है कि वो एरिड कंडीशन में जीरो फाइट्स हैं, वो कि कम वाटर में भी वो ग्रो कर सकते हैं, उसमें कोई जीन ऐसा होगा, वो जीन आप किसमें डाल दीजिए, जो यहाँ का प्लांट है उसके न्यूक्लियस में डाल दीजिए, तो ये भी मॉडिफाई हो जाएगा। इसीलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो पेस्ट है उसे रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको पेस्टिसाइड्स कम यूज़ करने पड़े, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करने पड़े, हम जीएम क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। वो अलग है, अभी उस लार्ज स्केल पे वो नहीं है, उनका ट्रायल चल रहा है अभी तो, और एक अथॉरिटी बनाई हुई है जो उसको अलाउ करती है। सिर्फ आप कौन सी सुनते हैं, वो जो क्रॉप्स हैं, एक बीटी कॉटन कॉटन सुना होगा, एक बीटी ब्रिंजल ब्रिंजल सुना होगा, एक एक आध और आता है पोटैटो पोटैटो आ जाता है, बाकी तो नहीं है अभी, और उसकी अलग है अप्रिजन की, क्या हो सकता है कि वहाँ पे जा सकते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ सकता है, आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, और जो इको या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हैं एग्रीकल्चर के, क्योंकि एग्रीकल्चर भी खुद ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन है इसका, कैसे, यस, मीथेन प्रोड्यूस होती है जो पैडी फील्ड से वहां से, या जहां पे मार्शी एरियाज होंगे वहां से मीथेन प्रोड्यूस होगी, जो कि क्या है, ग्रीन हाउस गैस, मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने ये ऐसा पढ़ा है, तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, है ना। और उसके अलावा जब आप बीटी कॉटन या जीएम क्रॉप्स यूज करेंगे तो हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मीन्स उनका यूज कम होगा, तो ऑब्वियस उनकी प्रोडक्शन भी कम लगेगी, तो इंडस्ट्री के लिए जो फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो कम लगेगी, तो ओवरऑल जो डिपेंडेंसी है, जो एनर्जी की डिमांड है, वो आप कम कर सकते हैं। जब एनर्जी की डिमांड कम होगी तो चाहे वो आपके फॉसिल फ्यूल हैं उनकी डिमांड कम होगी, नंबर वन, चाहे वो आपका जैसे कोल है उसकी डिमांड कम होगी, और जो दूसरा है जो एनर्जी का क्राइसिस हमारे यहाँ, हम बात किसकी करते हैं, एनर्जी क्राइसिस की, क्योंकि इंडिया में एनर्जी सरप्लस नहीं है हमारे पास, तो ज़रूरत है उसको कम करने, कैसे होगा, डिमांड को कम कीजिए जो कि पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं इफ़िशेंट चीज़ें ला के, अगर इफ़िशेंट लाएंगे चीज़ें तो डिपेंडेंसी कम होगी, तो ओवरऑल आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, अगर फ्यूल की डिमांड कम होगी, ग्रीन हाउस गैसेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम हो जाएंगी, तो कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जी। अब आप बता सकते हैं कुछ कि इसके अलावा आपको लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो आपने बात ही नहीं की,
क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, मुझे ऐसा लगता है। जो यूथ होते हैं ना, जो यंग माइंड्स होते हैं, वो बुक है ना यंग एंड इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स बाय APJ अब्दुल कलाम है ना, और ये ऐसे ही होते हैं सारे, एनर्जी बहुत होती है, सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है एक्सपीरियंस की। एनर्जी बहुत होती है कि फट्टे चक देंगे, आ कर देंगे, नाप देंगे, है ना। हाँ, नींद नहीं आती होगी तैयारी की खुशी खुशी में कि IAS की तैयारी कर रहे हैं, होता है ना ऐसा कि नींद नहीं आती, सोने का मन ही नहीं करता, मन करता है पढ़ते रहो बस, नहीं होता ऐसा? होता है हमारे साथ, तो ऐसे ही होता था, मन ही नहीं करता सोने का, क्या करना सो के, इतना अच्छा लगता है। नहीं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपकी मेंस की तैयारी अपने आप अच्छी हो जाएगी। राइटिंग स्किल्स जिसको कहते हैं वही होता है वो, एनालिटिकल स्किल्स, वो एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही आएगी। जी, किसी को कुछ और इनपुट्स देने हैं इसमें? नहीं, मैंडेटरी अब कैसे कह रहे हैं, मजबूरी है उसकी उगाना, हाँ वो हमने, मैंने शायद बताया था आपको, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक ब्रीड नहीं बनाई है और वो दिया जा रहा पायलट प्रोजेक्ट पे कि आपको पैडी ट्रांसप्लांट नहीं करनी है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, तो उससे क्या होगा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उसके लिए नहीं चाहिए, कम पानी में वो ग्रो कर जाएगा। हाँ तो वो, हाँ तो उसमें क्या चाहिए, वो तब पॉसिबल जब आप रिसर्च करेंगे उसके लिए। अभी तो हमारे पास पुराने मेथड है, क्योंकि ये मेथड जो हैं, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो, कभी एंशियंट इंडिया पढ़ाओ, तो तब भी यही मेथड यूज होते थे, नहीं कहाँ पे बताइए फिर। कितने इंडस वैली च कितने सी राइस, डोंट टेल मी। ओ मिले जी, रंगपुर च राइस मिले, मैनू पता है, रंगपुर और रोजड़ी की साइड में मिला है, राइस के ग्रेन्स मिले हैं, वो गुजरात में मिले हैं, मेन साइट पे तो था ही नहीं। गुजरात तो बहुत लेट फेज है, जब वो माइग्रेट कर चुके हैं इंडस वैली के लोग। पंजाब में तो कल भी चावल नहीं खाते थे, आज भी नहीं खाते, वो कहते चावल तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए उगाते हैं, अब खाने के लिए थोड़ी उगाते हैं। हाँ, वैदिक एज, कौन सी, लेटर वैदिक एज, वहाँ पे पैडी ट्रांसप्लांटेशन ही स्टार्ट हुई थी और आज भी वही चल रही है, और 600 BC पहले वही था और 2000 साल बाद भी, यानी कि 2500 साल बाद भी आज वही कर रहे हैं। तो 2500 साल में क्या बदला, वो गाना बना दिया, कितना बदल गया इंसान, कहाँ बदल गया इंसान। ऑल राइट, कुछ और जी, कोई और इनपुट देना चाहेगा कुछ और, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ स्किप कर दिया हो, ज़्यादा तो मैंने नहीं बताया, इतना होगा कि समझ, चाहे ज़्यादा होगा किताबों से बाहर गिर गया होगा, नथिंग एल्स। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो वी हैड डिस्कस अबाउट द हीट वेव्स, और वो किसका कंपोनेंट है, क्लाइमेट चेंज का, और उसके इम्पैक्ट देखे हमने, चाहे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल हो सकता है, है? और वो तो सोशल में आ जाएगा, पॉलिटिकल कह रहा हूँ, इंडिया की इमेज पे फर्क पड़ सकता है, यस। अरे अगर इंडिया डेफिसिट हो गया, फूड डेफिसिट, तो इंडिया की इमेज खराब हो जाएगी ना। अच्छा मुझे बताइए एक चीज़ और, हीट वेव्स, नेगेटिव नेगेटिव बात कर रहे हैं हम, हीट वेव का कोई पॉजिटिव आस्पेक्ट नजर आता है किसी को, कि कोई लोग प्रे करते हो भगवान हीट वेव्स बनाए रखना बस, तो रशिया को कि कैसे, ये पता है क्या होता है, जब IAS की तैयारी करते हैं ये प्रॉब्लम हो जाती है, हम छोटे लेवल पे सोचना बंद कर देते हैं, हमें लगता है UPSC की तैयारी मतलब छत से ऊपर सोचना है, और ऐसा क्वेश्चन के साथ होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, आपको लगेगा UPSC ने पूछा है तो कुछ बड़ा ही होगा। अच्छा एक आप मान लेता हूँ, ठीक है बहुत अच्छी बात है, है ना। हाँ तो वो कहते हैं भगवान ऐसे ही रखना कि हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो बचेगी नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए, नहीं भाई टूरिज्म इंडस्ट्री कहेगी भगवान बनाए रखना, तभी लोग मनाली आएंगे, तभी लोग शिमला, गर्मी लगे किधर जाते हैं लोग, हिल स्टेशन की तरफ भागते हैं, है ना। और इस बार इसीलिए लोग पहले जाना शुरू हो गए हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री हिट होती है, प्रमोट होती है, पॉजिटिवली हिट होती है, तो वो चाहेंगे, वो तो कहेंगे हीट और हो,
अच्छी बात है, 6 महीने और हीट वेव्स चले तो नेगेटिव है वो, इसलिए सिर्फ कि आपको पॉजिटिव ही ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर कहीं नेगेटिव चीज़ें हैं किसी के लिए तो पॉजिटिव भी होंगे, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव दोनों चीज़ें हमेशा करिए। कुछ भी करना पड़े क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट दोनों एक साथ कीजिए। कि अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अकबर वॉज ग्रेट, कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढिए उसके। अगर किसी को लगता है ही वॉज ए वेरी बैड मैन तो उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट ढूंढिए, दैट इज द क्रिटिकल इवेल्युएशन। फाइन, तो इतना काफ़ी आज के लिए इश्यू ऑफ द वीक में, आज के लिए इतना काफ़ी। फिर मिलेंगे तब, तब तक इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।